कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसल गई। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। दरअसल खड़गे राज्य में पार्टी का चुनाव करने के लिए कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले पीएम मोदी को अच्छा इंसान बताया और फिर उनकी जुबान फिसल गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया। कर्नाटक चुनाव के सिलसिले में एक जनसभा के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की है। यह एक ऐसा बयान है जिस पर कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें, गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी, जिसको बीजेपी ने लपक लिया था। जहां एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर तंज कसा था। बीजेपी की ओर से मोदी के चेहरे को लेकर खड़गे ने कहा था कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या उनके रावण की तरह सोच रहे हैं। खड़गे के इस बयान पर उस वक्त काफी हल्ला मचा था। वहीं अब एक बार फिर कर्नाटक चुनाव के पहले खड़गे की यह बयानबाजी कांग्रेस के लिए कैसी साबित होती है, यह तो आने वाला कर्नाटक चुनाव का परिणाम ही बताएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए बोखलाहट में ऐसे बयान दे रही है। अनुराग ठाकुर ने खड़गे के मोदी को लेकर दिए सांप वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को पता चल चुका है कि वह कर्नाटक चुनाव बुरी तरह से हार रही है, यही वजह है कि कांग्रेस के नेता उल्टे सीधे विवादित बयान दे रहे हैं। हालांकि खड़गे ने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के लिए नहीं बोल रहा था, मेरा मतलब था कि बीजेपी की विचारधारा सांप की तरह है। मैंने पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से यह कभी नहीं कहा, मैंने जो कहा था उनकी विचारधारा सांप की तरह है और यदि आप इसे छूने की कोशिश करते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इस मामले में जब विवाद बढ़ता चला गया तो खड़गे ने ट्विटर के जरिए भी स्पष्टीकरण दिया और माफी भी मांगी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, वैमनस्यपूर्ण और गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए था, न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी की भावना को आहत करने का बिल्कुल नहीं था और अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई हो तो ये मेरी मंशा कदापि नहीं थी और न ही यह मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। मैंने सदा दोस्तों व विरोधियों के प्रति राजनीतिक शुचिता की मर्यादाओं और परंपराओं को निभाया है और जीवन के आखिरी सांस तक निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरह व्यक्तियों और उनकी तकलीफों का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैंने गरीबों व दलितों का दुख दर्द देखा भी है और सहा भी है। 5 दशकों से भाजपा तथा आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा से उनके नेताओं से मेरा विरोध हमेशा से रहा है। मेरी राजनीतिक लड़ाई उनकी राजनीति के खिलाफ थी और हमेशा रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।